गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हम फलहार में कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाते रहते हैं, तो आज मैं आपके सामने एक आलू की बहुत ही चटपटी टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आपने आलू की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी व्रतों में, तो आज इस तरीके से इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब आप ये देखिए, मैंने ये बॉईल 4 आलू ले लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आलू आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, और इस तरीके से इनको आप पीसेस में कट कर लीजिए। इसके पीसेस भी आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी छोटे बड़े कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई आप नॉनस्टिक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। आप यहाँ पर जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, जो भी आप खाते हैं व्रतों में, वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम है, और ड्राई फ्रूट भी आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मूंगफली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मेरे पास पहले से ही फ्राई रखी है। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इस ड्राई फ्रूट्स को हम क्रंची कर लेंगे। इस ड्राई फ्रूट्स को डालने से हमारी जो ये रेसिपी है एकदम से बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी और एनर्जेटिक भी बन जाएगी। इसके बाद देखिए मैंने वापस से उसी घी में, मेरा कढ़ाई में घी रह गया था, जीरा डाल दिया है। जीरा मैं काफ़ी सारा डाल रही हूँ इसमें। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ी हरी मिर्च डाल दी है कट करके। और आप यहाँ पर भी ध्यान दें कि अगर आप जो भी चीज़ इसमें नहीं खाते हैं व्रतों में, वो चीज़ स्किप कर सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर टमाटर नहीं खाए जाते, किसी के यहाँ पर हरी मिर्च नहीं खाई जाती, वो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर, एक बड़ा टमाटर था वो मैंने इसमें कट करके डाल दिया है। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये आलू, ऐड कर देंगे। इनको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। देखिए आलू हमारे भून गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, सेंधा नमक। और इसके बाद हम इसमें 1/4 स्पून काली मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर। और इसको भी अच्छे से हम फिर दोबारा से भूनेंगे। तो इसे हम नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ आलू चिपकते हैं कढ़ाई में। इसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्रंची बना आ जाता है आलू में। इसके बाद देखिए मेरे पास मूंगफली पहले से ऑलरेडी भुनी रखी थी, और ये ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इनका क्रंची बना ख़त्म हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया कटा हुआ बारीक, और फिर से इसे अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारे ये क्रिस्पी क्रंची आलू बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें किसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट बने होते हैं। इसके बाद आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, फ्रूट आप इसमें गैस ऑफ करने के बाद ही ऐड करें। मैंने देखिए इसमें अनार से गार्निश कर दिया, आप इसमें बनाना, एप्पल, पपाया, कुछ भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये चाट जो हमने आलू की बनाई है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है, व्रत में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है दोस्तों। और आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ या फिर आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी दोस्तों।